हेलो दोस्तों एंड गुड इवनिंग वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई होप आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही होगी और आज के सेशन में जैसा आपको दिख रहा होगा हम लोग बात करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट स्पोर्ट के जनवरी से लेकर के अगस्त 2023 तक के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट सारे इंपॉर्टेंट हमारे जो विनर हैं सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते वो सब डिस्कस करेंगे और जितने भी अभी आने वाले एग्जाम उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो बीपीएससी का हो चाहे जम्मू कश्मीर पीसीएस का हो उड़ीसा पीसीएस का हो या कोई भी आपका एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और सारी चीजों को यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पार्टिसिपेट भी करना है जो भी आपको आता है जिससे कि आपका जो रिविजन है वो भी हो जाए और आपको जो नई चीजें हैं वो भी पता चलती चले ठीक है अब इस क्लास की जो पीडीएफ है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जो अभी मैं आपको लिंक बताने वाला हूं लेकिन सबसे पहले अगर आप बिहार यूपी उड़ीसा असम मध्य प्रदेश राजस्थान के पीसीस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस बैच में जुड़ सकते हैं इक्कीस तारीख को हमारा ये अब अभी, अभी तीन अक्टूबर को हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे साथ ही साथ जो है वो आपको यहां पर मिलने वाली है बुक्स तो बहुत कुछ है अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं ठीक है थीके? तो ये बेस्ट तीन अक्टूबर से शुरू हो रहा है तो आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मैं बात कर रहा था इस पूरे क्लास जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे घंटे में इस पूरे क्लास की रिवीजन के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी हमारे क्लासेस की बाकी लिंक भी आपको यहां पर मिलती रहती है है ना तो आपको ये टेलीग्राम चैनल क्लास के बाद ज्वाइन कर लेना है जहां पर मैं इस पूरी क्लास का पीडीएफ आपको रिविजन के लिए दे दूंगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट है वो हम डिस्कस करने वाले तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की कौन कौन से हमारे जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो यहां पे हम डिस्कस करने वाले तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे चेस के सेवेंटी नंबर के ग्रैंड मास्टर बने जनवरी में और इनका नाम है हमारे कौस्तु चटर्जी तो बंगाल के ग्रैंड मास्टर के तौर पर चुने गए थे और यह एग्जाम में पूछा भी गया था जो कि हमारे फरवरी में हुआ था ठीक है तो सेवेंटी एट ग्रैंड मास्टर कौन बने याद रखिएगा कौस्तु चटर्जी हमारे जो भी चेस में ट्वेंटी फाइव रेटिंग पॉइंट जिनको मिल जाती है वो ग्रैंड मास्टर बन जाते और हमारे देश के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद विश्वनाथन आनंद सबसे पहले थे और अभी हाल में अगस्त के महीने में एटी थर्ड नंबर के आदित्य सावंत भी बने महाराष्ट्र के खैर हम लोग अगस्त वाले में उनका डिस्कशन भी करेंगे तो यहां पे सेवेंटी एट नंबर के ग्रैंड मिनिस्टर बने थे कौशिक चटर्जी फ्रॉम बेंगल चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम तो मुंडा हॉकी स्टेडियम की अगर हम यहां पे बात करते हैं ये हमारे रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार हुआ और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा ये रिकॉर्ड पंद्रह महीने में बन करके तैयार हुआ पांच सौ एकड़ में ही बना हुआ ये हमारा हॉकी का स्टेडियम है दो सौ इकसठ करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं नवीन पटनायक जी ने इसकी शुरुआत की है ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा ठीक है तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दो करोड़ का पचास एकड़ में बना हुआ पंद्रह मंथ रिकॉर्ड पंद्रह मंथ में ये हमारा स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था क्योंकि हॉकी का वर्ल्ड कप हमारे इस बार इंडिया में हुआ था अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे और इसका जो विनर था वो जर्मनी था तो ऑर्गेनाइज इंडिया ने किया था लेकिन जर्मनी ने इसको तीसरी बार अपने नाम किया है अगला तय बेलिंडा क्लार्क बेलिंडा क्लार्क की ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ब्रॉन्ज की स्टैचू है तो बेलिंडा क्लार्क है कौन तो ब्लेंडा क्लार्क हमारे ऑस्ट्रेलियन कप्तान और एक लेजेंडरी बैट्समैन है इनका जो ब्रॉन्ज स्टैच्यू है अब ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कौन से स्टेडियम में एस में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा ब्रॉन्ज का ये स्टेडियम है और ब्लिंडा क्लार्क कई बार हमारे ऑस्ट्रेलियन टीम को वर्ल्ड कप जिता चुकी हैं तो एक लिविंग लेजेंड के तौर पे इनको माना जाता है वुमेन्स क्रिकेट का और इनका जो स्टैचू है वो आप यहां पर देख पाएंगे अगला हमारे सामने सेवेंटी नाइन्थ ग्रैंड मेस्टर तो हमारे इंडिया में चेस के महान प्लेयर हुए हैं अभी हमने देखा कि डी गुकेश जो थे वो भी हमारे फाइनल में पहुंचे हालांकि वो रनर अप रहे लेकिन सेवेंटी नंबर पे जो ग्रैंड मास्टर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है हमारे प्रनेस एम प्रस याद रखिएगा हमारे 2500 पॉइंट इन्होंने हासिल किए और ये सेवेंटी नंबर के ग्रैंड ग्रास्टर के तौर पर चुने हुए साथ ही साथ इन्होंने रिल्टन कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मैंने आपको पहले ही बताया कि 2500 रेटिंग प्राप्त करने पड़ते हैं ग्रैंड मास्टर बनने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको यह भी याद रखना है कि हमारे जो प्रणेश है ये मात्र सोलह वर्ष के हैं याद रखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और मैंने जैसे आप बताया कि सेवनटी एट नंबर पे कौस्तु चटर्जी थे बेंगोल के है ना हमने देखा पहले नंबर के आर विश्वनाथन थे अगला देखते हैं क्या हमारे सामने थर्ड नेशनल चैंपियनशिप चैंपियनशिप अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होती है आपने देखा होगा ये देखिए कुछ इस तरीके से बर्फ के ऊपर ये स्कीइंग की जाती है तो स्कीइंग चैंपियनशिप कौन बनी है तो मात्र 11 वर्ष की है इनका नाम है फलक मुमताज तो फलक मुमताज 11 वर्ष की है और इन्होंने गर्ल्स कैटेगरी का जो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है नाम है फलक मुमताज और ये, जो, है, ये हुआ पर था? तो इसका जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसको जो ऑर्गेनाइज कराया था वो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया तो याद रखिएगा ग्यारह वर्षीय हैं हमारे फलक इसको जीता हुआ है ये भी फरवरी में हमारा टूर्नामेंट हुआ था अगला अगर हम लोग देखेंगे मलेशियन ओपन हमारा हमारा वुमेन्स एंड मेन सिंगल तो मलेशियन ओपन जो हमारा टूर्नामेंट हुआ ये सबसे पहले तो हमारे किससे तो ये हमारे बैडमिंटन से संबंधित है बैडमिंटन का ये जो टूर्नामेंट है इसको जीता है हमारे अकाने यागाची एंड वेक्टर एक्सेलसन ने तो वेक्टर एक्सेलसन पुरुष कैटेगरी में और अकाने यामागुची ये हमारे महिला कैटेगरी में इस टूर्नामेंट को जीते मलेशिया ओपन है मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर में हुआ था कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल है जहां पर आप इस टूर्नामेंट को देख पाएंगे याद रखिएगा हमारे लिए का पिछला साल बैडमिंटन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है दो में हमने पहली बार थॉमस कप को जीता था थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको इंडिया ने जीता था पहली बार फर्स्ट टाइम और इसी तरीके से महिलाओं का जो हमारा बैडमिंटन का सबसे बड़ा टाइटल है ये उबेर कप है इसको साउथ कोरिया ने जीता था ये देखिए मेल कैटेगरी का होता है ये फीमेल कैटेगरी का होता है दोनों टूर्नामेंट हमारे थ्री ईयर के गैप पर होते तीन साल के गैप पर होते और ये आयोजन हमारे थाईलैंड में हुआ था देखिए जब तक ये टूर्नामेंट हमारे अब दूसरा नहीं होगा तब तक ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इंडिया ने पहली बार थॉमस कप जीता है बैडमिंटन का चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश सुपर लीग फाइनल जिसको पहली बार सऊदी अरब में आयोजित कराया गया और इसको जीता हुआ है हमारे फुटबॉल के टूर्नामेंट को आप देख पा रहे होंगे बार्सिलोना तो बार्सिलोना ने रियल मेड्रिड को हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है तो बार्सिलोना ने इस टूर्नामेंट को जीता है किसको हरा करके रियाल मेड्रिड को हरा करके काफी महत्वपूर्ण होता है तो बार्सिलोना और रियाल मेड्रिड के बीच में टूर्नामेंट हुआ और बार्सिलोना ने सऊदी अरब में इस टूर्नामेंट को जीत करके इतिहास रच दिया अगला जाता है वापस से इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप तो इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इसको किसने अपने नाम किया है देख लेते जल्दी से तो यहां पर हमारे मलेशिया के बाद इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता हुआ है कोरियन संसेशन एन स्विंग हाँ, एन स्विंग एन स्विंग जो है यहां पर आपको जीते हुए दिखाई दे एन स्विंग ने बाईस फरवरी को नई दिल्ली के इंडोर स्टेडियम जो हमारे के डी जादव के नाम से जाना जाता है उसमें यह टूर्नामेंट हुआ था अब पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कुलावुत विस्टरसन ने इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है किन्दावुत हमारे जो है ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये इंडियन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है तो महिलाओं कैटेगरी में आप बात करेंगे तो एन सिंह और पुरुष कैटेगरी में बात करेंगे तो हमारे कौन है तो वो है कुंडलावुत ये थाईलैंड के तो ये हमारे दिल्ली में टूर्नामेंट हुआ था अब आते हैं हमारे टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में और जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है तो इस साल के तीन ग्रैंड स्लैम जीते हैं नोवॉक जोकोविच ने पुरुष कैटेगरी के, के याद रखिएगा हमारे ये 16 से 29 जनवरी तक हुआ और ये टूर्नामेंट में हमारे जो वन 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 मतलब एक नंबर का था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको जीता हुआ है मेंस में नोवॉक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं वुमेन्स में हमारे सेबेलिनका है बेलारूस की है देन उसके बाद से मेंस डबल में जे कोब्लर है एंड उसके उनके साथ में आर हिजिकाटा उसके बाद से अगर हम लोग वुमेन्स डबल की बात करेंगे तो बी कॉसिकोवा के साथ हमारे बी सिनिकोवा हैं दोनों सेक रिपब्लिक खिलाड़ी हैं मिक्स डबल की बात करेंगे तो एल सेफानी के साथ आर मार्तोस ने ये टूर्नामेंट को जीता है तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं नवॉक जोकोबे चेन सेबेलिनका ये सर्बिया के हैं और ये हमारे बेलारूस के हैं याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चलिए आगे चलते नेक्स्ट हमारे सामने आता है आईसीसी वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको हमारे इंडिया ने जीता है तो अंडर 19 का ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में हुआ कहां पर हुआ साउथ अफ्रीका ने किसने जीता इंडिया ने तो आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका का अंडर 19 इंडिया ने अपने नाम किया है महिला महिला कैटेगरी का ये टूर्नामेंट था है ना महिला कैटेगरी का ये टूर्नामेंट पहली बार इंडिया ने इसको उठाया है इंग्लैंड को हरा करके और हो जाता है है काफी इंपॉर्टेंट ना तो इसमें ऑलराउंडर कौन सबसे अच्छे घोषित किए गए थे बेस्ट मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्रेस स्क्रिवेंस को यहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अगला हॉकी वर्ल्ड कप हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित हुआ है ना ऑल द टर्टल इसका मस्कट था ऑल द टर्टल जो है वो इसका मस्कट था

तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गई हमारे किसकी ये हो गई हमारे जनवरी की बात अब आपको लेकर चलते हैं फरवरी की तरफ ठीक है तो यहां पे अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी का जो हमारा सबसे पहला है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप ये हमारे सामने तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप की बात करते हैं तो केरला केरल के नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब को तेरा चार से हरा दिया है ना केरल ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब को तेरा चार से हरा दिया है, है ना केरल के गोल गोलकीपर संतोष काश्मीर कास्मी, ने टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कीपर आ, आ, यहां पर घोषित किया गया तो देखिए बीच सॉकर क्या होता है तो बीच के ऊपर फुटबॉल को खेलना और यह बड़ा ही फेमस है केरला में और केरला ने यहां पर इस टूर्नामेंट को जीत भी लिया है बहुत बढ़िया तरीके से पंजाब को हरा करके और बहुत बढ़िया तरीके से संतोष काश्मीर ने इसके ऊपर गोल किया था अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे अगर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो खेलो इंडिया गेम्स जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में 2018 तो में ये हमारे गेम्स की शुरुआत हुई थी अब ये अलग अलग कैटेगरीज में होता है यूथ गेम्स होता है है ना? होता है ना वुमेन्स गेम्स होता यहां पे यूनिवर्सिटी गेम्स होता है ये सारे गेम्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी अलग अलग और कैटेगरी होती है तो हमारा दो से जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है अब ये पांचवां सेशन हो गया है है ना तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स का पांचवां सेशन है ये एमपी में आयोजित हुआ कहां पर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के इस आयोजन में हमारे महाराष्ट्र ने नंबर एक का पोजीशन हासिल किया है महाराष्ट्र ने टोटल यहां पे 161 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 56 गोल्ड है 55 हमारे सिल्वर है और हमारे 50 ब्रॉन्ज मेडल है टोटल 161 मेडल है याद रखिएगा हरियाणा दूसरे नंबर पे 128 के साथ अब यहां पे बात बात आती है सर पहला वाला सबसे पहले कब हुआ था तो ये 2018 में नई दिल्ली में हुआ था फिर आपका दूसरा पुणे में हुआ फिर गुवाहाटी में हुआ Then, उसके बाद से हमारा पिछले साल हरियाणा में हुआ था कोविड की वजह से एक साल गैप रहा था एंड उसके बाद से अभी आप देख पाएंगे कि ये मध्य प्रदेश में एमपी में इसका आयोजन हुआ है याद रखिए मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम में पूछा जा सकता है चलिए अब आते हैं फीफा अवार्ड 2022 तो फीफा वर्ल्ड कप हमारे पिछले साल के लास्ट में जब समाप्त हुआ 2022 के तो फीफा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फीफा की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट फीफा मेन प्लेयर दो के लियोना मेसी अर्जेंटीना और पीएसजी के लिए खेलते हुए अर्जेंटीना फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में अगर देखेंगे तो एलेक्सिया पुट, पुटलेसा ये बार्सिलोना और स्पेन की खिलाड़ी हैं बहुत बढ़िया खेलती हैं फीफा वुमेन्स कोच में देखेंगे तो लियानो सैक्लोनी है अगर वुमेन्स कोच में देखेंगे तो सेरेनिया वेलीगामा है बेस्ट गोलकीपर में बात करेंगे तो मार्टिनेज है शायद आप सभी लोग जानते होंगे अर्जेंटीना के गोलकीपर है बहुत बढ़िया तरीके से फीमेल गोलकीपर में बात करेंगे तो मैरी ये हमारे मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल प्राइज इनको दिया गया है फीफा फैन अवार्ड अर्जेंटीना के फैन को दिया गया है और हमारे फेयर प्ले अवार्ड लुका लोकोविकी को दिया गया है तो इस तरीके से ये हमारे फीफा अवार्ड है बेस्ट फीफा प्लेयर पूछा जा सकता है लियोना मेसी फीमेल पूछा जा सकता है एलेक्सिया पुटलेसिया ये पिछले साल हमारे टाइम्स में भी इसको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था एलेक्सिया पुटलेसिया को अगले क्वेश्चन की तरफ चलते वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप अभी आपने देखा कि हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता उड़ीसा में हुआ था और टर्टल्स का मस्कट था अब यहां पे आता है वुमेन्स हॉकी का हमारा चैंपियनशिप हॉकी का हमारा जो टूर्नामेंट है इसमें आंध्र प्रदेश काकीनाडा में यह टूर्नामेंट खेला गया था फाइनल और महाराष्ट्र को पांच एक से हराने के बाद एमपी ने किसने जीता एमपी ने यह तेरवा हॉकी इंडिया सीनियर हॉकी इंडिया जो टूर्नामेंट है इसको अपने नाम कर लिया ठीक है तो हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप ये किसने जीता हुआ है तो याद रखिएगा एमपी ने किसको हरा करके हमारे महाराष्ट्र को हरा करके आईसीसी टी ट्वेंटी अंडर नाइनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता लेकिन आईसीसी का हमारा जो टूर्नामेंट है जो हमारे सीनियर मतलब आप बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल कैटेगरी में आता है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने दोनों में एक चीज कॉमन है दोनों साउथ अफ्रीका में हुए थे इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और अंडर नाइनटीन इंडिया ने जीता है वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुए दोनों ऑस्ट्रेलिया ने यह हमारे बोल सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को हरा करके साउथ अफ्रीका ही फाइनल पहुंची थी लेकिन हार गई जैसे साउथ अफ्रीका हार जाती है हर बार ऑस्ट्रेलिया तो ने इसको जीता हुआ छठवीं बार भाई साहब ऑस्ट्रेलिया का जो हर जगह पे बादशाह बरकरार है क्रिकेट में में फील्ड में, तो छठवीं बार जीता हुआ है 2010, 12, 14, 18, 20 बीस और देन उसके बाद से 22 ये सारे जीते हुए हैं एसले गार्डनर को यहां पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से सम्मानित किया गया था ये भी याद रखना है तो भैया ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व क्रिकेट में कायम है महिला कैटेगरी क्रिकेट का एक और टूर्नामेंट है रणजी रणजी ट्रॉफी रंड़ी ट्रॉफी हमारे घरेलू क्रिकेट की जान बोली जाती है, टेस्ट टेस्ट है इस इस सौराष्ट्र जयदेव यहां पर इस ट्रॉफी को उठाया कलकत्ता को हरा करके काफी इंपॉर्टेंट है जयदेव है और सौराष्ट्र विनर है याद रखिएगा अब सौराष्ट्र और जो हमारे रेस्ट

हैरी uh, ब्रुक है जिनको हमने यहाँ पर महिला प्लेयर ऑफ द मैन हैरी ब्रुक को यहाँ पर दिया गया था पुरुष तो और हमारे एसले गार्डनर ये दोनों बने थे तो हैरी ब्रुक ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये एसले गार्डनर है जो मई महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे अब यहां पे आता है ईरानी ट्रॉफी तो ईरानी ट्रॉफी मैंने आपको बताया कि जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर होते हैं और जो हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया होती है इनके बीच में होता है तो दो का जो विनर थे रणजी ट्रॉफी उनके बीच में और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में ये टूर्नामेंट हुआ था हमेशा से होता है और ये टूर्नामेंट को जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश क्योंकि पिछली बार जो रणजी ट्रॉफी है वो मध्य प्रदेश ने जीता था पहली बार लेकिन उनको रेस्ट ऑफ इंडिया ने हरा करके ये ईरानी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है तो रणजी ट्रॉफी पूछेगा तो सौराष्ट्र ने जीती है और अगर हमसे पूछेगा ईरानी ट्रॉफी तो ये हमारे किसने रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती है मध्य प्रदेश को हरा करके ये ईरानी ट्रॉफी 25वीं बार रेस्ट ऑफ इंडिया

किंग इंटरनेशनल स्टेडियम जो रियाद में है सऊदी अरबिया की कैपिटल में वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा और इसमें कर्नाटक ने इसको जीता रखा है और कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके टूर्नामेंट जीता है यह छिहत्तरवा सेशन था यहां पे कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप और रजत सिंह लिंगदोह को गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया यह भी आपको याद करना पड़ेगा पूछ लेता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं एशियन बिलियर्स टाइटल तो ये है एशियन बिलियर्ड्स तो बिलियर्स जानते हो हमारे बोर्ड्स के ऊपर जो बॉल होती है उसको हम बिलियर्ड्स बोलते हैं है ना तो बिलियर्स जो टूर्नामेंट है ये है पंकज आडवाणी पंकज आडवाणी ने रिटेन किया है मतलब वापस से एक बार जीते हुए एशियन बिलियर्ड्स का जो हमारे टूर्नामेंट है तो एशियन हमारे जो बिलियर्स टूर्नामेंट है उसको यहाँ पर जीता है पंकज आडवाणी ने इसको स्नूकर फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है तो स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों बोर्ड पे खिलाते हैं बस बॉल के कलर का अंतर होता है ठीक है ना तो याद रखिएगा यह टूर्नामेंट पंकज आडवाणी ने जीता और महिला वर्ग में बाई यूल ने बाई यूल ने इसको अपने नाम किया तो महिला वर्ग का बाई यूल और हमारे पुरुष वर्ग का पंकज आडवाणी टूर्नामेंट का नाम है एशियन बिलियर्ड टूर्नामेंट जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट हमारे सामने कौन सा आता है तो सऊदी अरब ग्रांड पिक्स तो सऊदी अरब ग्रांड पिक्स और अजर बेजानिक्स दो ग्रांड पिक्स को आपको हटा देना है है ना पिक्स, जिसकी आप यहां पर और सऊदी अरब ये दोनों टूर्नामेंट को जीता है सर्गियो सर्गी ने सर्गियो पारेज, ये देखिए सर्गियो पारेज, ये हमारे ग्रांड पिक्स एक रेसिंग इवेंट होता है जिसमें हमारे सर्गियो पारेस ने शुरू के ये दोनों टूर्नामेंट जीते इसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं इस साल मतलब जितने नौ दस जितने भी टूर्नामेंट अभी तक हुए हैं सबको जीता है मैक्स वेस्टपेन ने और हमारे करंट अफेयर्स को आसान कर दिया अब वो बेल्जियम हो डच हो ब्रिटिश हो सब में आपको मैक्स वेस्टरपेन का नाम टिक करके आना है बस दो को छोड़ करके कौन सा याद रखिएगा सऊदी अरब और अजरबैजान सर इसको किसने जीता हुआ है तो इसको जीता हुआ है हमारे सर्गियो पारेज ने पारेज़ ने और बाकी की सारी रेस को जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने अभी हाल में इन्होंने सर्बेस्टन बेटल के लगातार नौ रेस जीतने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है तो काफी भयंकर खिलाड़ी हैं पिछले साल भी इनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था और इस साल भी छाए हुए हैं मैक्स वेस्टरपेन लेकिन शुरू की दौरे से ये हार गए थे चलते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग पहली बार हमारे आईपीएल की तर्ज पर वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ और हो जाता है वापस इंपॉर्टेंट मार्च के महीने में में हुआ ये वुमेन्स प्रीमियर लीग बात करते पूरी डिटेल में. तो सबसे पहले इसको मुंबई ने जीता फाइनल मैच जो है ये हमारे नवी मुंबई में हुआ था मेरे घर के बहुत पास में ही हमारे डीवाई पाटिल स्टेडियम है जहां पर मुंबई इंडियंस ने इसको जीता था जो फाइनल वेन्यू था ये हमारे मुंबई और दिल्ली कैपिटल के बीच में हुआ और जहां पर मुंबई इंडियंस ने इसको अपने नाम कर लिया है याद रखिएगा यहां पर हमारे जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे स्मृति मानधाना जो रॉयल चैलेंजर्स के लिए थी सबसे महंगी खिलाड़ी थी अब यहां पे हम लोग बात कर ले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ये कौन है मेग लेगिन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये हमारे हेली मैथ्यूज है ये दोनों को भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि हो जाती इंपॉर्टेंट ये हमारे पांच महिलाओं का टूर्नामेंट था पांच महिलाएं क्रिकेट आ, हमारे जो लीग टीम है वो पार्टिसिपेट कर रही थी हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते अप्रैल के महीने में तो अप्रैल के महीने में हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हम तो है हमारे किसके बीच में हुआ तो ग्रांड मास्टर डी गुकेश एंड वर्ल्ड चेस आर्मेगडन को जीत करके तहलका मचा दिया है तो ये हमारे टूर्नामेंट का नाम क्या है ये उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को इन्होंने हराया टूर्नामेंट का नाम है वर्ल्ड चेस आर्मा एशियन ओशियानिक टूर्नामेंट ठीक है याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा तो ये डी गुकेश को यहां पर विनर घोषित किया गया था और काफी महत्वपूर्ण आता है और यहीं पर इन्होंने मैग्नस मेगन, कार्लसन को भी हराया था तो मैग्नस कार्लसन को भी हरा करके ये एक इतिहास रचा था लेकिन फाइनल जो है वो अजबेकिस्तान के खिलाड़ी के साथ हुआ तो डी गुकेश ने इस टूर्नामेंट को जीता और अभी ये पूरे इंडिया के जब से चेस शुरू हुआ है तब से अभी तक के नंबर एक के खिलाड़ी बन गए इंडिया के और वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग जो है वो आठवें नंबर पे वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग कौन से आठवें नंबर पे <laughs> चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्चुअली क्या है कि मुंबई

में आयोजित ये फोर्थ एशियन खोखो टूर्नामेंट में हमारे दोनों श्रेणियों की महिला में जो है वो भारतीय टीम ने फतेह हासिल की है याद रखिएगा ये हमारे भारत ने यहाँ पर इंडिया एंड इंडिया की जो मेल और फीमेल कैटेगरी है दोनों ने यहाँ पर जीत हासिल की है इंडिया ने फाइनल में नेपाल को हराया था और वुमेन्स टीम ने बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया तो खो टूर्नामेंट्स बहुत मेल एंड फीमेल कैटेगरी में भारत ने यहां पर जीत हासिल की है ये कहां पर हुआ था आसाम में तो एशियन खोखो टूर्नामेंट मेल कैटेगरी में और फीमेल दोनों में इंडिया में जीता है आसाम में यह टूर्नामेंट हुआ था चलिए आगे चलते आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च अभी हम लोगों ने देखा था फरवरी मंथ का जो मार्च मिला था अब मार्च मंथ का जो अप्रैल मिल रहा है यहां पर देखेंगे सकीबुल हसन तो मैं पहचान रहा हूं इनको तो सकीबुल हसन यहाँ पे हमारे बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ और रेसिमेवे को रवांडा की खिलाड़ी हैं हमारे महिला कैटेगरी का प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था अगला है विजडन टी ट्वेंटी प्लेयर ऑफ द ईयर हमारे विजडन ने अलग अलग कैटेगरी में खिलाड़ियों को जगा दी अलग अलग कैटेगरीज में जो खिलाड़ी हैं वो हमारे चुने गए टी ट्वेंटी वनडे टेस्ट के तो देखते हैं हमारे इंडिया के खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली तो इंडिया के केवल सूर्य कुमार यादव और हमारे हरमनप्रीत कौर ये दोनों को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड में सम्मानित किया गया है टी फॉर्मेट में ये हमारे चुने गए सूर्य कुमार यादव और महिला हरमनप्रीत कौर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन फीमेल कैटेगरी तो देखिए हमारे टी क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने और हरमनप्रीत कौर को

इसमें नीरज चेपड़ा जो है वो फोर्थ बेस्ट परफॉर्मेंस किए थे है ना और यहां पर इन्होंने अपने पहले प्रयास में 88.67 मीटर का थ्रो करके कैरियर का चौथा बेस्ट परफॉर्म किया था क्योंकि इसके पहले वो और अच्छा थ्रो कर चुके हैं जबकि चेक गणराज के जो कि अभी इनके बहुत बड़े प्रतिद्वंदी बने हुए जैक बेडलर से एटी मीटर के साथ दूसरे स्थान पे थे तो यहां पर नीरज चोपड़ा पहले नंबर पे थे लेकिन उन्होंने अपने कैरियर का चौथा बेस्ट थ्रो फेंका है 88.67 और गोल्ड मेडल जीता था इस वाले हमारे इवेंट पे अब दूसरा डायमंड लीग जो लुसाने में हुआ अभी अगस्त के महीने में उसकी भी बात करेंगे उसमें ये जगह बदल गई यहां पर जैकब पहले नंबर पे चले पे चले गए गए और नीरज चोपड़ा दूसरे आ तो डायमंड लीग दोहा वाला पूछेगा नीरज चोपड़ा नंबर एक पर थे और अगर डायमंड लीग लुसाने वाला पूछेगा हमारे नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर आ जाएंगे अगर हमसे पूछा जाएगा अभी हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप तो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में वापस नीरज चोपड़ा नंबर एक पर थे और इनका थ्रो था एटी

हमारे पहले नंबर पे चले गए और नीरज दूसरे पे आ गए चलिए तो 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 हमारे पुरुषों के ट्रिपल टूर्नामेंट है ये क्यूबा में आयोजित हुआ और यहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेशनल मार्क जो हमारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्रेकिंग था आ, मार्क उसको यहां पे क्रॉस करते हुए सत्रह दशमलव तीन सेवन की सेवन मीटर की जंप लगा करके इन्होंने यहां पर जो है वो बहुत बड़ा परफॉर्म किया है है ना <coughs> तो यहां पे अगर देखेंगे इन्होंने रंजीत महेश्वरी का जो रिकॉर्ड था उन्होंने उसको सरपास पास कर दिया है यहाँ पे उनका जो पिछला रिकॉर्ड था ये, ये सत्रह तीन जीरो था और यहां पर इन्होंने सत्रह समलो तीन सेवन जो है वो ट्रिपल जंप में रिकॉर्ड मारा हुआ है तो याद रखिएगा ये है हमारे कौन आप देख पा रहे होंगे प्रवीण चित्रावेल चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट हमारे लॉरेंस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो लॉरेंस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये है द तो गोट अर्जेंटीना के खिलाड़ी और इस बार तो काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि भाई वर्ल्ड कप लेकर क्या है तो वर्ल्ड कप लेकर क्या है हमारे फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर साथ ही साथ लॉरेंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर नाम है इनका लियोने मेसी

हमारे इस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर एलीट है, बेस्ट जो प्लेयर बने है ये आपके में पूछ सकता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल अब ये कौन है देख लेते हैं रिजवान है ना इंटरनेशनल आईसीसी के अप्रैल मंथ के लिए फकर जमान स रिजवान नहीं है फकर जमान को यहां पर चुना गया था और हमारे महिला कैटेगरी में थाईलैंड की कप्तान जिनका नाम है चायवाई है चायवाई तो चायवाई जो है यहां पे वुमेन्स टीम की हमारे ऑफ द मंथ बनी है की खिलाड़ी है और फकर जमान पाकिस्तान के अब देखिए हम लोगों ने अब आ जाते 82 मेस्टर, और ये है हमारे प्रनीत वी प्रनीत पंद्रह साल के हैं और इन्होंने भी पच्चीस रेटिंग पॉइंट्स प्राप्त किए और यह हमारे 82 नंबर के बन जाते हैं ग्रैंड मेस्टर चेस के बहुत शानदार खिलाड़ी है। मात्र पंद्रह साल की उम्र के हैं तेलंगाना के खिलाड़ी हैं और ये यहां पर बन गए तो बहुत बढ़िया है इन्होंने ग्रैंड मास्टर नीम को हराया और 2500 पॉइंट जैसे हुए इनको ग्रैंड मास्टर की हमारी जो श्रेणी है उसमें एफ जो चेस को हमारे रेगुलेट करने वाली बॉडी है इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा इनको ग्रैंड मास्टर का तमगा मिल गया आईपीएल सभी ने देखा होगा लेकिन यादों के साथ समय के साथ यादें धुंधली पड़ जाती हैं याद करना बहुत जरूरी है तो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया और पांचवी बार ये इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल उठाया मुंबई के बराबर यह रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने पांच बार आईपीएल टाइटल का गुजरात टाइटंस लग रहा था दूसरी बार भी जीतेगी लेकिन मुंबई सॉरी चेन्नई सुपर किंग्स ने यह टूर्नामेंट को जीत लिया है बहुत बढ़िया तरीके से पर्पल कैप मोहम्मद सामी पर्पल कैप विनर बने उसके बाद से शुभन गिल आप सब लोग जान रहे हो भाई नेक्स्ट विराट कोहली बोला जा रहा है शुभम गिल जो है ये ऑरेंज कैप विनर बने ठीक है तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स धमाकेदार है पांचवा टाइटल है जून के महीने में आ गए धीरे धीरे से हम लोग जो है वो जून के महीने में आ गए तो जून के महीने में हमारे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई बहुत उम्मीदी थी इंडिया से कि भाई टेस्ट में भी चैंपियंस बन के दिखाएंगे लेकिन बड़े मौके पर फेल होना इंडिया की फितरत बन गई है और यहां पर भी वो देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अपने नाम किया और यहां पर इंडिया को 209 रनों से रौंद करके ये विक्ट्री उन्होंने की है प्लेयर ऑफ द मैच टेविस हेड बने जिन्होंने पहली बार किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो टेस्ट का टूर्नामेंट था वहां पे किसी खिलाड़ी ने शतक लगाया बहुत बढ़िया तरीके से तो टेविस हेड यहां पे शतकवीर और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इन्होंने जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भारत के लिए फुटबॉल का जो क्रेज है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है आप यहां पर देखेंगे ये सुनील छेत्री हैं और इन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल कप को अपने नाम कर लिया है कलिंगा स्टेडियम में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का फाइनल हुआ लेबनन को दो जीरो से हराया है भारत ने है ना लेबनन को यहां पे दो जीरो से हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है ठीक है तो उन्नीस से दो तक यूरोपियन कप और यूएफए चैंपियन लीग और कोपा कप के विजेताओं के बीच में एक ये फुटबॉल प्रतियोगिता थी देन उसके बाद से अभी देखेंगे तो हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनके बीच में ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप हो रहा है तो भारत ने कलिंगा स्टेडियम में इस इंटर कॉन्टिनेंटल कप को बहुत बढ़िया तरीके से जीता है फिर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने में मई महीने का दिया जाएगा अब ये कौन खिलाड़ी है देख लेते हैं तो आईसीसी ने हमारे मई महीने के जो प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया है ये है हमारे हैरी हैरी टैकर री टेक्टर जो है ये हमारे आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और पहली बार किसी आयरलैंड के खिलाड़ी को हमारे ये अवार्ड मिला है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और महिलाओं का अवार्ड जो है ये थिपाचा पुथावोंग को मिला है ये भी थाईलैंड की खिलाड़ी है थिपाचा पुथावोंग तो थाईलैंड की पिछले बार कप्तान को मिला था और इस बार ये थाईलैंड की थिपाचा थुपावोंग है वो चाईवाई थी और ये थुपावोंग है और यहाँ पे हैरी टेक्टर है जो कि हमारे आयरलैंड के खिलाड़ी है अब हम लोग आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन तो देखा नोवोक जोकोविच एंड सेबेलिंका और यहां पे आ जाते हैं फ्रेंच ओपन भाई साहब फिर से नोवोक जोकोविच नोवॉक जोकोविच ने कैस्पर रूट को हरा करके अपना तेईसवा ग्रैंड स्लैम जीता पुरुषों में यहां पर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत जीत चुके थे तेईसवा है ये इनका और ये हमारे पुरुषों की सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी बन गए जबकि हमारे जो सर्बिया के इस खिलाड़ी के बाद हमारे पोलैंड की, तो की ये है। याद रखिएगा चलिए आगे हॉकी जूनियर एशिया चैंपियनशिप हॉकी जूनियर एशिया चैंपियनशिप इसको किसने जीता है तो यहां पे अगर देखेंगे तो यह जो टूर्नामेंट है हाँ इंडियन ने यहां पर इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है अपने रिवाइवरी जो हमारे पार्टनर हैं पाकिस्तान उनको दो एक से हरा करके ये इंडियन जूनियर हॉकी टूर्नामेंट हमने अपने नाम कर लिया ये ओमान में आयोजित किया गया था यही नहीं हमने मेंस का नहीं वुमेन्स का भी जो टूर्नामेंट है यह भी हमने अपने नाम किया है तो इंडिया की टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप को और वुमेन्स ने भी इंडिया की टीम ने यह जीता हुआ है काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है इसके पहले हम एशिया की जो जूनियर टीम है इंडिया का वो 2004, 8 और 15 में भी जीत चुकी है और इंडिया ने 2023 में जीत करके ये चौथी बार यह टूर्नामेंट अपना नाम कर लिया इसके पहले अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो यह भी तीन बार जीत चुकी थी अगर इस बार जीतती तो उनका भी चौथा होता है ना दुबई वुमेन्स कबड्डी फाइनल कबड्डी में शायद मुझे लगता है कि इंडिया की जो धाक है वो बरकरार है लेकिन यह वुमेन्स कबड्डी है तो दुबई वुमेन्स जो हमारी कबड्डी लीग है उसमें हमारे <coughs> वुमा कोलकाता उमा कोलकाता टीम ने पंजाब पैंथर्स को हराया मतलब ये लीग कबड्डी टूर्नामेंट है है ना लीग लीग कबड्डी टूर्नामेंट है जो कि दुबई में आयोजित हुआ था और इंडिया की उमा कोलकाता जो टीम थी उसने इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है काफी बढ़िया तरीके से अगला हमारे पास आता है इंडोनेशिया 2023 बैडमिंटन का है सात्विक साईराज और चिराग सेट्टी बड़ी फेमस जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग सेट्टी की पिछले बार के फिर से बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था इनके ऊपर क्वेश्चन तो यहां पर हमारे बोल सकते हैं कि ओर चिया और सोमुई को हरा करके हमारे इंडिया की जो संसेशन है बैडमिंटन के खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इन्होंने इंडोनेशिया ओपन का जो मेंस डबल खिताब है वो अपने नाम कर लिया है तो मेंस डबल खिताब इंडोनेशियन ओपन का सात्विक साईराज चिराग शेट्टी नाम याद कर लो बहुत फेमस जोड़ी है ये बैडमिंटन की अगला भवानी देगी देवी तो भवानी देवी बहुत ही हमारे लिए एक ऐतिहासिक व्यक्ति बन गई पूछोगे क्यों तो भवानी देवी जो है इन्होंने यहां पर सीए चेन्नई ओलंपियन है ये और भवानी देवी ने चीन के वूसी में एशियन जो तलवारबाजी चैंपियनशिप है इसमें पहली बार भारत, भारत को पदक दिलाया तो पहला पदक यहां पे हासिल करके इतिहास रचा हुआ है है ना हालांकि ये ब्रॉन्ज मेडल था ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता हुआ है तो सी ए भवानी देवी इन्होंने ये तलवारबाजी में चेन्नई चा, सॉरी चाइना में हो रहा है टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये भारत का पहला पदक था ठीक है तो इस तरीके से हमने जून के भी जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वहां पर कवर किए अब आते जुलाई के तो जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं स्पोर्ट्स के वो एक एक करके हम यहां पे देखते हैं तो सबसे पहले यहां पे अगर हम देखेंगे तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप अभी हम लोगों ने देखा था दुबई कबड्डी लीग वुमेन्स वुमेन्सुमा कोलकाता ने जीता तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है तो यहां पर इंडिया ने ईरान को फोर टू थ्री टू से हरा करके पिछले एशिया कप का बदला ले लिया दोस्तों तो पिछला एशिया कप जो इंडोनेशिया में हुआ था अभी तो फिलहाल कहां पे चल रहा है अभी तो फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि अभी वाला हमारे चाइना में चल रहा है तो जो पिछला वाला एशिया कप था उसमें ईरान ने इंडिया को हरा दिया था हालांकि अभी तक इंडिया कभी भी एशिया कप कब कबड्डी में हारा नहीं था लेकिन ये हार की जो फांस है वो इंडिया को चुभ रही थी और वो बदला लिया हमने कहां पर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में जो कि कोरिया में हो रहा था इंडिया ने ईरान को हराया और इस एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया ये देखिए ये हमारा इंडिया का टीम है और ये एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है जो यहां पे अपने नाम कर लिया गया अगला है सैफ चैंपियनशिप तो भैया देखिए हमारे जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं और सैफ इंडियन चैंपियनशिप को जीता किसने है? देखते हैं फील्ड क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे तो यहां पे हमारे इंडियन फुटबॉल टीम ने फिर से सैफ चैंपियनशिप जो कि बंगलुरु में हुआ था उसको जीत लिया है कुवैत को पांच चार से हरा करके तो देखिए हमने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली हमने यहां पे सैफ टूर्नामेंट को जीत लिया फुटबॉल का तो फुटबॉल हमारे पहले बोला था ये काफी बढ़िया हमारे लिए ये साल रहा है तो सैफ टूर्नामेंट जो कि हमारे साउथ एशियन कंट्रीज का टूर्नामेंट है

कौन से देश के खिलाड़ी है तो यहां पर नीदरलैंड्स की टीम ने यहां पर जीत लिया इस टूर्नामेंट को नीदरलैंड की टीम ने हमारे जो एफ हॉकी प्रो लीग है 2022 हजार इसको जीत लिया है थर्टी फाइव अंकों के साथ समाप्त किया और ये यह यहाँ पे चैंपियन बन चुके हैं है ना इस जीत के साथ नीदरलैंड की प्रतियोगिता में ये दूसरा खिताब है दूसरा किताब है और अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं कर पाई है है ना हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है ये चौथे नंबर पे रही थी चौथे नंबर पे तीस अंक थे और नीदरलैंड के पैंतीस अंक है तो नीदरलैंड नंबर एक पे हमारी नंबर चार पे और नीदरलैंड की ऐसी टीम पहली बनी जिसने दो बार ये एफ प्रो हॉकी लीग को अपने नाम किया है चलिए आगे देखते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून तो जुलाई में भैया जून के हमारे खिलाड़ियों को मिलेगा आईसीसी की तरफ से ये अवार्ड तो ये हमारे वनिदू हसरंगा जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया टी और वनडे के लिए तो हसरंगा के साथ हमारे ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ऑलराउंडर एसले गार्डनर दूसरी बार मार्च में आपने देखा था इनका नाम है ना फरवरी के लिए और अब जुलाई में देख रहे हैं जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ तो आईसीसी ने वनिदू हसरंगा और महिला टीम की जो कौन है ठीक है याद रखिएगा उनका नाम है एसले गार्डनर चलिए आगे चलते वर्ल्ड अर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 वर्ल्ड अर्चरी यूथ टूर्नामेंट यहां पे तीरंदाजी का जो यूथ टूर्नामेंट है वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं तो भारत ने आयरलैंड के लिमरिक में ये टूर्नामेंट हो रहा था आयरलैंड की हमारा एक शहर है लिमरिक में वहां पर ये जो बाई हमारे बोल सकते हैं कि बाई होता है दो साल में होता है प्रतियोगिता में विश्व तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है इसमें छह गोल्ड जीते है ना छह गोल्ड एक सिल्वर और चार कांस्य के साथ टोटल ग्यारह पदक जीते और इसके साथ दूसरा स्थान हासिल किया है सेकंड नंबर पर रहे ठीक है इस पूरे टूर्नामेंट में साउथ कोरिया जो है साउथ कोरिया के स्थान नंबर एक पे था तो नंबर एक पे कौन सी थी साउथ कोरिया थी और इंडिया यहां पे दूसरे स्थान पे थी याद रखिएगा हमारा 2025 25 का जो टूर्नामेंट है ये कनाडा में होगा तो कनाडा के साथ हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं आप सभी को पता है लेकिन अर्चरी टूर्नामेंट में इंडिया का प्रदर्शन बेहतरीन होता चला जा रहा है अब ओलंपिक आने वाले हैं दो में है ना देखते हैं वहां पे इंडिया क्या परफॉर्म करती है लेकिन अभी तो अर्चरी वर्ल्ड कप में दूसरे स्थान पे थे टोटल हमने 11 पदक जीते आयरलैंड में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था चलिए विम्बल्डन तीसरा साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम अभी तक नोक नोवाक जोकोविच की तूती बोल रही थी दो हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन और हमारा फ्रेंच ओपन दोनों को अपने नाम कर लिया लेकिन अब तीसरी बार यहां पर सामना था ये हमारे

यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था इगा स्वेटक कौन सी देश की खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता है तो स्पेन के खिलाड़ी है जोकोविच जो कि सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं एक बहुत शानदार खिलाड़ी है सर्बिया के उनको हरा करके टूर्नामेंट जीता है अब यहां पे देखेंगे मार्केटा वोद्रोसोवा मार्केटा वोद्रोसोवा की अगर हम बात करते हैं तो ये अनसीडेड खिलाड़ी थी बयालीसवें नंबर की खिलाड़ी थी और इनको हरा इनको यहां पर विमिडन जीतने का मौका मिला तो मार्केटा ऑफ ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी है मतलब टॉप टेन में नहीं है फिर भी जीत लिया है तो ये यहां पर मार्केटा मार्केट ऑफ वर्डोसोवा की बहुत बड़ी बात थी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने यहां पर एंट्री की अपने ग्रैंड स्लैम में तो ये देखिए मार्केट ऑफ वर्डोसोवा कार्लोस एलक्राज है

सात्विक साईराज रे, साईराज रेड्डी और चिराग सेट्टी की जो जोड़ी थी उन्होंने इंडोनेशिया ओपन जीता लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कोरियन ओपन की और यहां पे पुरुष खिलाड़ी ने ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सबसे तेज इस मैच का पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने इस मैच किया जिन्होंने 2013 के बने रिकॉर्ड को जो कि एक हमारे मलेशियन खिलाड़ी था चार किलोमीटर प्रति घंटे का वो तोड़ दिया तो ये था सात्विक साई राज रेड्डी का ये कोरियन ओपन में धमाकेदार स्मैश याद रखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा भी पूछ सकता है स्पीड कितने थी एग्जाम में चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन एथलीट चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलीट एंड एशियन दोनों की बात करेंगे लेकिन पहले बात करते हैं एशियन एथलीट टूर्नामेंट थाईलैंड में आयोजित हुआ थाईलैंड में आयोजित हुआ यहां पे एथलीट्स गए हमारे देश के और ये 12 से 24 जुलाई के बीच में हुआ था इंडिया ने टोटल सत्ताईस था दूसरे पे चाइना और इंडिया को तीसरा स्थान मिला।, मिला है सत्ताईस टोटल हमने मेडल जीते ये टूर्नामेंट थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से उसके बाद देखेंगे सुपर ग्रांड मास्टर चेस टूर्नामेंट ये कौन है मतलब काफी कम एज लग रही है दस साल की उम्र में आर प्रगानंद बन गए थे हमारे ग्रांड मास्टर दस साल की उम्र में और यहां पे आर प्रगानंद जो कि अब सत्रह साल के हो चुके हैं उन्होंने यहां पे आ, सुपर ग्रांड मास्टर जो टूर्नामेंट है उसमें सिक्स पॉइंट फाइव का इंप्रेसिव स्कोर हासिल किया और बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर इन्होंने फिनिश किया था और वर्ल्ड कप के लिए ये आगे पहुंचे थे देखिए मैंने जैसे बताया कि पूरे हमारे इस मास्टर हिस्ट्री में दस साल की उम्र में इन्होंने ये हासिल किया था 2016 में तो ये सबसे कम उम्र के इंडिया के ग्रांड मास्टर बने मात्र 10 साल की उम्र में 2500 इनकी रेटिंग पॉइंट हुए थे मतलब मतलब कई सालों से ये मतलब काफी छोटी उम्र से ही ये चेस के खिलाड़ी बन गए थे और अभी इनका स्टेटस क्या है कि ये अभी वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट के फाइनल में कार्लसन के साथ खेल रहे थे रनर अप हालांकि बने लेकिन जल्दी इनका जो टूर्नामेंट में जो है वो विनर के तौर पे आप नाम देखेंगे तो ये आर प्रगगनंद बहुत शानदार खिलाड़ी है अब देखते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अक्टूबर से शुरू हो रहा है सभी लोग बहुत क्रेजी के साथ इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप का तो यहां पे आप देखेंगे हमारे ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान थीम सॉन्ग भी आया था आप शाहरुख खान को लेकर के अभी गोल्डन टिकट दिया जा रहा है आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को दिया गया गोल्डन टिकट उसके बाद हमने देखा कि रजनीकांत को दिया गया गोल्डन टिकट तो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे ये गोल्डन टिकट भी आपसे पूछ सकता है किसको किसको दिया गया है अमिताभ बच्चन रजनीकांत को दिया गया है और अभी इंडियन टीम की जो जर्सी है वो सचिन तेंदुलकर ने है ना वन नमो करके इंडियन टीम की जर्सी ये नरेंद्र मोदी को दी है ये भी आप अभी देखेंगे कल हम आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे परसों करंट अफेयर्स में सुबह तो यहां पे ब्रांड एम्बेसडर कौन बने शाहरुख खान है ना और गोल्डन टिकट अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को दिया गया एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स ऑफ एशिया कप 2023 तो एसीसी मेंस इमर्जिंग जो टीम है एशिया कप की वो कौन बनी है भाई तो यहां पर ये जो इमर्जिंग टीम है इमर्जिंग एशिया कप नहीं ये इमर्जिंग टीम है एशिया की वो पाकिस्तान है फाइनल में इन्होंने इंडिया को हराया और यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है तो आपसे पूछा जाएगा भाई कौन बनाए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा मेन्स इमर्जिंग टीम में जो कि हमारे कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में मैच हुआ था उसमें श्रीलंका ने श्रीलंका में हुआ था पाकिस्तान ने इंडिया को हरा करके टूर्नामेंट जीत लिया चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है 83 ग्रैंड मास्टर ये कौन है आदित्य सामंत आदित्य सामंत महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं इन्होंने भी 2500 अपने पूरे पॉइंट अर्जित किए और ये बन चुके हैं हमारे चेस के बहुत शानदार खिलाड़ी इन्होंने जो बिल इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट है वहां पर टूर्नामेंट को अपने नाम करके टोटल 2500 पॉइंट रेटिंग किए और ये बन चुके हैं इस साल के अभी तक के इंडिया के अगर देखा जाए तो चौथे ऐसे खिलाड़ी बने पांचवे बन गए क्योंकि 78 हमारे थे 78 जनवरी में मिले थे उसके बाद से आप देखेंगे तो लगातार हमारे जो खिलाड़ी हैं 78 पे कौस्तु चटर्जी आए थे जनवरी के महीने में और अब ये 83 नंबर पे आदित्य सावंत है जो जुलाई के महीने में आपको दिखाई देंगे और इस तरीके से पांच खिलाड़ियों ने इस साल धमाके तरीके से ग्रांड मास्टर का जो तमगा है वो हासिल किया है आई एस एस एफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हमारे जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन शूटिंग में हमारा अर्चरी में देखा कि हम दूसरे नंबर पे लेकिन शूटिंग में हमारी क्या पोजीशन है देखते हैं यहां पे तो जो शूटिंग है हमारे जो जूनियर शूटिंग टूर्नामेंट इसमें सबसे पहले तो यह ऑस्ट्रेलिया के चवांग शूटिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ और इस टूर्नामेंट में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है दूसरे नंबर पर भारत है मतलब वहां पे अगर देखेंगे तो अर्चरी में भी दूसरे नंबर पे हम रहे हैं और ये जो जूनियर वर्ल्ड कप है शूटिंग का इसमें चाइना नंबर एक पे है और इंडिया दूसरे नंबर पर रहा है साउथ कोरिया में हुआ था अभी इजिप्ट में वापस से चल रहा है उसमें भी इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है अगला इंडियन फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी भाई ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता हुआ ट्रेड है है ना ट्रेंड की तरफ जा रहा है ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी हालांकि ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन जो हमारे गैम्बलिंग गेमिंग में होते हैं उसमें ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा अक्टूबर से ठीक है लेकिन अब हम देखते हैं कि पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहां पर हो रहा है इंडिया का तो मध्य प्रदेश ने पहला हमारे ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत कर दी है और याद रखिएगा यहां पर एट्टी जो सीट्स हैं वो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ही हमारे क्या की गई है यहां पर रखी गई है ठीक है तो ये हमारे एम पी स्टेट ई स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से जाना जाएगा जहां पर ई e गेमिंग को किस तरीके से लोगों को पेशेवर बनाना है ताकि यहां पर भी लोग जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप यहां पे भी ऑनलाइन गेमिंग की होती है तो इंडिया के जो खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ कैसे डेवलप किया जाता है वो भी यहां पे सिखाया जाएगा चलिए तो आगे चलते हैं आते हैं 2023 ओपन गोल्फ चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट की बात करते हैं तो यहां पे शुभंकर शर्मा इंग्लैंड के बर्सी में हमारे रॉयल लिवर, लिवरपूल गोल क्लब में अपने भारतीय गोल्फर द्वारा अभी तक का सबसे अच्छा रिजल्ट हासिल किया गया है हालांकि वो आठवें स्थान पर रहे लेकिन अभी तक आठवें स्थान पर भी कोई नहीं पहुंचा तो शुभंकर शर्मा आपसे पूछा जा सकता है कौन से गेम के खिलाड़ी हैं गोल्फर हैं जिन्होंने यहां पर हमारे रॉयल लिवर गोल्फ क्लब में जो टूर्नामेंट हुआ उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया आठवें नंबर पर रहे तो अभी तक इंडिया में जब जब भी कोई ऐसा परफॉर्म करता है जो इंडिया में अभी तक किसी ने किया तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जाता है अब आ जाते हैं अगस्त मतलब अभी तक हम लोग जनवरी से अगस्त तक के जो स्पोर्ट्स के इवेंट है वो डिस्कस करेंगे तो अगस्त ये लास्ट मंथ है ग्रांड पिक्स मैंने आपको बताया दो छोड़ करके सारी कौन सी अजरबैजान और सऊदी अरब दो छोड़ करके सारी ग्रांड पिक्स में मैक्स वेस्टर पेन है ना मैक्स पेन कोई भी आ जाए तो मैक्स पेन ने यहां पर जीत लिया है इस टूर्नामेंट को बहुत बढ़िया तरीके से है ना रेडबुल चलाते हैं और बढ़िया तरीके देखिए इतनी सारी रेस हैं, है 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 ब्रिटिश कैनेडियन स्पेनिश बहरीन ये सारा इन्होंने जीत रखा हुआ है। लेकिन सऊदी अरबिया और अजरबैजान यहां पे सर्गीय पारेस इसके अलावा और भी है डच भी हो चुकी है बेल्जियम भी हो चुकी है सब में भाई साहब की लिस्ट का नाम बढ़ता चला जा रहा है केवल दो याद कर लो बाकी के करंट अफेयर्स को आसान बना दिया है मैक्स पेन ने जेवलिन थ्रोडे तो जेवलिन थ्रोडे जिस दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने फेंका था अपना हिस्टोरिकल हमारा जो थ्रो है ना याद है ना सभी को 87.58 मीटर का थ्रो था जो अपने आप में इंडिया को एक ऐसे मुकाम पे ले गया कि हमने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रोडे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमारे ओलंपिक का गोल्ड मेडल आईसीसी प्लेयर मंथ ऑफ द जुलाई देखते कौन है फिर से असले गार्डनर मुझे लग रही है तो फिर से असले गार्डनर है ना तीसरी बार साल में और इंग्लैंड के क्रिक वोक्स जिन्होंने उस समय एस सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी तो क्रिस वोक्स को यहां पे दिया गया है जुलाई मंथ का हमारे प्लेयर ऑफ द मंथ उसके बाद फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट सर्किट तो देखिये नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया चेन्नई में तो चेन्नई में ये रेसिंग के लिए बनाया गया हमारा तीन किलोमीटर का ट्रैक है जो कि हमारे बहुत बढ़िया तरीके से आइलैंड ग्राउंड्स पर बनाया जा रहा है जिसमें नाइट में इंडिया और साउथ एशिया कंट्रीज जो है वो अपनी रेसिंग इवेंट करा सकते हैं तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको रेसिंग प्रोमो प्रोमोशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस न्यू सर्किट को लॉन्च किया काफी महत्वपूर्ण आता है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सी टीम है भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ ये फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये टूर्नामेंट हुआ था और ये टीम है सिडनी में ये हमारा फाइनल हुआ इंग्लैंड और स्पेन के बीच में स्पेन ने एक जीरो से इस टूर्नामेंट को जीत करके फीफा वुमेन्स जो टाइटल है उसको अपने नाम किया है तो ये जर्मनी के बाद हमारे महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली यूरोपियन टीम बन गई है तो इसको यहां पर आप देखेंगे स्पेन ने इंग्लैंड को एक जीरो से हरा करके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ये टूर्नामेंट जीत लिया है अगर आप देखेंगे यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलमा है स्पेन की सबसे आ, सबसे यंग प्लेयर थी गोल्डन ग्लव किसको दिया गया है आप देख पाएंगे मैरी इरप्स को मैरी इरप्स ये हमारे इंग्लैंड की खिलाड़ी है गोल्डन ग्लब मतलब हमारे गोलकीपर है गोल्डन बूट जो सबसे ज्यादा गोल करता है यहां पर अगर देखेंगे हिनाटा मियाजावा को दिया गया है जापान की है सिल्वर बूट फिर उसके बाद से बोरन जय गोल्ड आप याद रखिए यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा है ना तो सलमा को यहां पर दिया गया है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं

तो हमारे अभी हाल में ही अंडर ट्वेंटी जो हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया ने यहां पे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और यहां पर हमारे मोहित कुमार ने इस टूर्नामेंट को अपने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है यहां पे इसीलिए इनका नाम है तो ये अंडर ट्वेंटी जो रेसलिंग चैंपियनशिप है वहां पर गोल्ड मेडल जीता है काफी बढ़िया तरीके से साथ ही साथ यहाँ पे हमारे अगर आप देखेंगे तो अंतिम ने भी यहाँ पे जीता हुआ है अंतिम पंगाल ने भी यहाँ पे जीता हुआ इस तरीके से हमने टोटल यहां पे पांच गोल्ड मेडल जीते हुए अंतिम पंगाल यहां पे एक ऐसी टूर्नामेंट की खिलाड़ी हैं जो दो बार ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं दो बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं अंतिम पंगाल पिछले साल भी जीता था इस बार जीती है इंडिया टोटल पांच जीते हुए गोल्ड मेडल खेलो इंडिया वुमेन्स गेम अभी आपने देखा कि ये हमारे दो से खेलो गेम्स हो रहे हैं है अलग अलग नाम से होते हैं वुमेन्स होता है यूथ होता है यूनिवर्सिटी होता है जैसे कि यूनिवर्सिटी गेम्स हमारे उत्तर प्रदेश में हुए थे उत्तर प्रदेश में ये टूर्नामेंट जब हुआ था यूनिवर्सिटी गेम्स का तो उसमें जो हमारे नंबर एक की टीम थी वो थी पंजाब पंजाब जो है वो नंबर एक की टीम थी हमारा जब यूथ टीम हुआ था तो उसने हमारे ये हुआ था कहां पर ये उत्तर प्रदेश में हुआ था तो ये एमपी में हुआ था यहां पे जो नंबर एक की टीम थी वो थी हमारी महाराष्ट्र महाराष्ट्र यहां पे नंबर एक की थी अब खेलो इंडिया वुमेन्स लीग इसका नाम बदला जा रहा है अनुराग तो ठाकुर जो हमारे यूथ एन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं आ, है, उन्होंने इस वुमेन्स लीग का नाम बदल के रख दिया है अस्मिता लीग अस्मिता लीग के नाम से इसको जाना जाएगा जिससे कि महिलाओं के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है या अलग अलग तरीके के लोग बात कर रहे तो थे उसको देखते हुए अस्मिता लीग इसका नाम किया गया है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अंडर ट्वेंटी रेसलिंग चैंपियनशिप जैसे अब मैंने मोहित कुमार का नाम लिया था तो हमने यहां पे पांच गोल्ड मिले पांच ये गोल्ड है सितारे हैं हमारे इस पांच गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो प्रिया मलिक है देन उसके आसे मोहित है देन उसके आसे अंतिम पंघाल है तो ये हमारे पांच गोल्ड यहां पर हमने बहुत बढ़िया तरीके से जीते दिखा यहां पे प्रिया मलिक का भी नाम आ रहा है जिन्होंने ये गोल्ड जीता हुआ है। चेस वर्ल्ड कप 2023, आर प्रगानंद और हमारे नॉर्वे के खिलाड़ी जो कि बने हैं चैंपियन ये अजरबैजान में टूर्नामेंट हुआ था 25 अगस्त को ये फाइनल चल रहा था हालांकि ये तो ड्रॉ हुआ लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट की वजह से मैग्नस कार्लसन को विनर घोषित कर दिया गया तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इस टूर्नामेंट को अजरबैजान में जो हुआ था उन्होंने अपने नाम कर लिया है याद रखिएगा इसमें आर प्रगन आर प्रगनन जो थे वो हमारे कौन से नंबर पे थे रनर अप के तौर पर देखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण है ये हमारे इंडिया के लिए चलिए आगे चलते हैं रसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यहां पर अपने जो सस्पेंशन था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा उसको यहां पर क्या कर दिया गया है <coughs> ठीक है यहां पे निलंबित कर दिया गया है क्यों निलंबित कर दिया गया क्योंकि यहां पर जो हमारे विवाद है अभी आपने देखा था कि काफी दिनों से हमारे जो रसलर है वो बैठे हुए थे धरने पे हमारे जो विवाद था उसको देखते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को यहां पर देर से अपने

नीरज चोपड़ा यहां पर भी काम आए और नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का थ्रो फेंक करके यहां पे धमाकेदार एंट्री की हंगरी की कैपिटल बुढ़ापुर में ये यहां पर आप देखेंगे ये थ्रो है याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछ सकता है हमारा ये, मतलब ये जो थ्रो हजार मतलब दो साल में होता है तो था हजार पच्चीस में होगा ये कहां पर होगा टोक्यो में टोक्यो कहां पर है जापान की कैपिटल है सभी को पता होगा सबसे पहला वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जो मेडल है वो तो अंजुबी जॉर्ज में मिला था बॉबी जॉर्ज जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को ये फीमेल हमारे जंपर है, है ना और इन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था लेकिन गोल्ड मेडल आज तक हमको यहां पर नहीं मिला है पहली बार नीरज चोपड़ा ने जीता है तो अंजू बाबू जॉर्ज ने हमको यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जिताया हुआ है लेकिन अभी तक गोल्ड मेडल पहला है जो नीरज चोपड़ा ने हमको जिताया अब देखते हैं नेक्स्ट डूरंड कप हमारे हॉकी का सबसे सॉरी हमारे फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है जो कि इंडिया में आयोजित हो रहा है एशिया का अठारह है अट्ठासी से टूर्नामेंट हो रहा है और इस बार यह टूर्नामेंट जीता है मोहन बागान सुपर जाइंट ने मोहन बागान सुपर जाइंट ने ईस्ट बंगाल को एक जीरो से हरा करके यह टूर्नामेंट जीत लिया है यह सोल्ट लेक स्टेडियम में हमारा खेला गया था हालांकि जो पहला मैच है मतलब इसका जो शुरुआत है एनोग्रेसन है कहां से हुई काकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम आसाम के काकराझार से इसकी शुरुआत हुई थी देन उसके बाद से इसके कुछ मैचेस गुवाहाटी में भी हुए और हमारे कुछ मैच मतलब फाइनल जो है वो कोलकाता में आपको तो काकराझार हमारे आसाम से इसकी शुरुआत हुई कप में ये जो है मोहन बगान की टीम ने धमाकेदार तरीके से परफॉर्म किया जीत लिया 2022 का जो टूर्नामेंट कप है उसको किसने जीता था बैंगलोर एफसी ने तो बैंगलोर एफसी ने हमारे 2022 का जीता था और 2023 का आप यहां पे देख पा रहे मोहन बगान सुपर ज्वाइंट ने जीते हैं अभी तक ये सत्रवा टाइटल है तो मोहन बगान अपने आप में एक ज्वाइंट टीम है और यहाँ पे सत्रह टूर्नामेंट ये जीत रखे हैं यहां पे अगर देखेंगे तो गोल्डन बॉल जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नंद कुमार शेखर है, है और गोल्डन ग्लव विशाल कैथ है ये आप देख पाएंगे काफी महत्वपूर्ण दोस्तों तो ये थे हमारे आज के हमारे जितने भी जनवरी से लेकर के अगस्त तक के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के हमारे इवेंट हुए वो सब यहां पे आप देख पाएंगे लेकिन अगर आप भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और बिहार यूपी उड़ीसा मध्य प्रदेश और आसाम से संबंधित है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए भी ये है ये यहाँ पे आपको मिलता है ना केवल लाइव लेक्चर बल्कि आपको यहाँ पर मिलेंगे लाइव लेक्चर के साथ साथ यहाँ पे क्लास के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे बुक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे वन टू वन मेंटोर बहुत कुछ मिल रहा है इस पूरे के पूरे हमारे बैच में तीन अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है आप स्टडी आई क्योंकि ऐप और वेब पे जाके देख सकते हैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपके स्टेट का जो हमारे फाउंडेशन बैच है वो दिया हुआ है जाकर एक, एक बार देखिएगा तीन अक्टूबर से क्लास शुरू हो रही है और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में रोज सुबह सात बजे आपकी क्लास होती है लेकिन यहाँ पे साढ़े सात बजे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने पूरे थीम वाइज तो कल जो क्लास होगी वो होगी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की तो स्टे विथ हस एंड ज्वाइन दिस क्लास डेली सेवन थर्टी एंड डेली करंट अफेयर क्लास ऑन सेवन ए थैंक यू और आपको पीडीएफ मिलेगी यहाँ पे thank <laughs> you